सो हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे आपके चैनल पे एटमिक्स में। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यू पपी हो गए या फिर आपके पास पपी है उसकी एज 2 से लेके 4 मंथ के बीच में, और उसको अच्छा तगड़ा और मोटा करना है आपको, उसको अच्छा फिट रखना है, तो कौन कौन सा खाना देना चाहिए, क्या करना चाहिए जिसके कारण आपका पपी फिट रहे, हेल्दी रहे और मोटा बन जाए। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते कि सर हमारा पपी अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा, उसकी बॉडी अच्छे से ग्रो नहीं हो रही, तो इसके लिए क्या करें, हम सब कुछ खाने को दे रहे हैं, अच्छा फूड दे रहे हैं, महंगा फूड दे रहे हैं, पर वो काम नहीं कर रहा है। तो उसी के बारे में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्या क्या खाने को देना चाहिए, क्या करना चाहिए जिसके कारण आपके पप्पी की हाइट बॉडी अच्छे से ग्रो कर सके और वो अच्छा और खूबसूरत दिख सके। तो गाइस ऐसी वीडियो के लिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जिन लोगों ने भी बेल नोटिफिकेशन नहीं ऑन किया ज़रूर से ऑन कीजिएगा, और आपको वीडियो ज़रा सा भी अच्छी लगी तो मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको सबसे पहले बता दूँ, ऐसे बहुत सारे जो डॉग की बॉडी और डॉग के डीएनए पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है कि उसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है। जैसे कि अगर बीगल डॉग को आप बोलोगे कि उसके हाइट और बॉडी अच्छे से ग्रो कर सके तो वैसा पॉसिबल नहीं है। वैसे बहुत सारे मीडियम साइज़ के डॉग ब्रीड होते हैं जैसे कि जर्मन शेफर्ड, लैब्राडोर, उनकी हाइट बॉडी अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। और जैसे लार्ज साइज़ के हो गए, जैसे कि आप बोल सकते ग्रेट डेन हो गया, डेलमेशियन डॉग ब्रीड हो गए, तो ये डॉग ब्रीड हाइट के साथ साथ इनकी बॉडी स्लिम होती है, तो आप इन्हें मोटा नहीं कर सकते बट फिट एटलीस्ट रख सकते हो कि वो अच्छे खासा फिट और अच्छे से दिख सके। तो सबसे पहले आपको यही बात का ध्यान रखना है कि आपका डॉग की ब्रीड कौन सी है और कैसी उसकी बॉडी है। आप ध्यान रखिएगा कि उसके मदर फादर के ऊपर 90% चांसेस है कि उसके मदर और फादर की तरह ही वो दिखे, क्योंकि क्या होता है कि उसका डीएनए काफ़ी ज़्यादा मदर फादर के ऊपर जाता है, तो उसके कारण उसका बॉडी स्ट्रक्चर भी वैसा ही होता है। इसलिए मैं हर बार बोलता हूँ कि उसके मदर फादर को ज़रूर से चेक कीजिएगा, फिर आप पपी ले सकते हैं। अगर उसके मदर फादर को कोई डिजीज या प्रॉब्लम होती है तो वो डीएनए के चलते आपके पपी को होने के चांसेस 80% बढ़ जाते हैं। मोस्ट ऑफ ये लोग क्या करते हैं कि नया पपी लेके आने के बाद वो ऐसा सोचते हैं कि हम इसे जल्दी से जल्दी मोटा करें, तगड़ा करें और एकदम अच्छा दिखने लगेगा और जल्दी से जल्दी इसको खाने को दे, उसके चलते वो बहुत सारा उसको खाने देते, कुछ नया नया एक्सपेरिमेंट करते उसके साथ, तो उसके कारण उसका डाइजेस्ट सिस्टम या फिर उसकी बॉडी और भी वीक हो जाती है और ख़राब हो जाती है। अगर कोई जो डबल कोट का लाते, कोई एकदम से महंगा करके अच्छा तगड़ी बॉडी वाला डॉग ब्रीड लाते, पपी लाते, तो फिर ऐसे करने के बावजूद भी उसके जो पपी है जो उस डॉग की जो बॉडी उतर जाती है और वो जो पहली तरह फिट था उस तरह से फिट नहीं दिखता। तो कभी भी आप कहीं से भी पपी लेते हैं या फिर डॉग लेते हैं, एडल्ट डॉग या फिर 6 मंथ का पपी भी लेते हो या फिर डॉग लेते हो, तो आपको उसको पूछना पड़ेगा कि सामने वाले ब्रीडर के या फिर डॉग ओनर से कि इसको खाने में पहले क्या देते थे, तो आप तो उस हिसाब से उसका डाइट धीरे धीरे आपको चेंजेस करना पड़ेगा। कोई भी चीज़ आप एकदम से चेंज अगर करोगे तो डॉग की बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा असर करता है। मोस्ट ऑफ 80% या 90% उसकी बॉडी के ऊपर हमेशा जो है इफेक्ट करेगा और आपका डॉग खाना छोड़ देगा। अगर न्यू पपी आप घर पे लेके आते हो तो उसको मिल्क रिप्लेसर आता है जो आपको कोई भी डॉग शॉप में या फिर ऑनलाइन मिल जाएगा, उसके साथ साथ सेरेलैक्स भी दे सकते हो उसको, उसके साथ दही भी दे सकते हैं, अगर छाछ पीता है तो छाछ भी आप उसको थोड़ा थोड़ा दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें स्टार्टर है, इसको आप धीरे धीरे करके स्टार्ट करना चाहिए। अब ऐसा नहीं इसमें आप रोटी दो या फिर घर का खाना दो, आप थोड़ा बहुत चावल उसको साथ दे सकते हैं, वो भी थोड़ा थोड़ा करके आपको स्टार्ट करना है। फिर धीरे धीरे जैसे उसको 1.5 महीना हो जाता है उसके बाद जो है आप जो पपी स्टार्टर फूड आता है, जो कि स्टार्टर फूड अलग आता है और पपी स्टार्टर फूड अलग आता है, तो वो ध्यान रखना है आपको। पपी स्टार्टर फूड ला के उसको धीरे धीरे आपको थोड़ा थोड़ा देना है, एक दिन इतना एक दिन उतना, तो वैसे वैसे करते क्वांटिटी बढ़ानी है आपको, और अच्छे से अच्छे क्वालिटी वाला आप दीजिएगा। ऐसा नहीं कोई भी ब्रांड का लेके आइएगा उसको देना है, ब्रांड में भी बहुत सारी क्वालिटी आती है, उसमें कैल्शियम विटामिन्स कितने कितने परसेंट आते हैं, चिकन आता है, नॉन वेजिटेरियन भी आता है, वो सब कुछ चेक करके आप उसको दे सकते हैं। तो अगर आप ये सब कुछ देने के बावजूद भी अगर आपका पप्पी जो है अच्छा खासा फिट हो जाता है, खाने लगता है सब कुछ, तो उसको ऐसा नहीं कि वो डॉग फूड के ऊपर ही डिपेंड रहना है, उसको घर का खाना भी आपको धीरे धीरे स्टार्ट करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं उसको बाहर का फूड ला के देते, उसमें बहुत सारा केमिकल होने के चलते उसमें पेट में काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ या फिर बॉडी में काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ आ जाती है, इसलिए घर का खाना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके चलते क्या होता है, डॉग को हैबिट लगती है कि वो घर का खाना भी खाए और डॉग फूड भी अच्छे से खाए, और वो हो गया तो धीरे धीरे आपको जो है नॉन वेज अगर आप देते हो तो नॉन वेज भी स्टार्ट करना है। अगर नॉन वेज आपको वीक में आप एक बार देते हो तो ज़्यादा बढ़िया अच्छा रहेगा। अगर आपकी पपी की जो बॉडी अच्छे खासी ग्रोथ नहीं कर रही तो आप दिन में एक बॉयल एग उसको दे सकते हैं, आपको कच्चा मीट या कच्चा एग बिल्कुल नहीं देना है उसको। ऐसे करते करते आपको जो है हफ्ते में उसको कम से कम 4 या 5 बार भी आप एग दे सकते हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन भी दे सकते हैं, तो उसमें उसकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। कोई भी पपी हो या डॉग हो एकदम से उसकी बॉडी ग्रोथ नहीं करेगी, ध्यान रखना धीरे धीरे करके उसकी बॉडी में या फिर वजन में वेट अच्छे से बढ़ेगा या फिर हाइट अच्छे से बढ़ेगी।
अगर आप अच्छे से अच्छे महंगे से महंगा डॉग फूड उसको दे रहे हो, अच्छा खाना दे रहे हो, तो भी आप सोच रहे हो कि इसकी बॉडी अच्छे से ग्रो क्यों नहीं कर रही, तो उसकी एज के हिसाब से भी उसकी बॉडी ग्रो करने में मैटर करता है। अगर आपकी पपी की एज या 4 से 5 मंथ है और आप सोच रहे हो वो हेल्दी हो, इतना ज़्यादा मोटा नहीं लग रहा, तो वो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। उसके हाइट और बॉडी और सबसे ज़्यादा एज के हिसाब से वो जो है अच्छे से ग्रोथ करता जाएगा। इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा आप धीरे से धीरे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि डॉग काफ़ी ज़्यादा वीकनेस लग रहा है, तो आप डॉक्टर के पास जाके उसकी ट्रीटमेंट चालू करा सकते हैं, क्योंकि कभी कभार डॉग जो है बीमार या फिर कुछ और भी रीज़न हो सकते हैं जिसके कारण वो खाना नहीं खाता और उसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाती है। तो अगर ऐसा केस किसी के साथ हो जाता है या फिर बाय चांस हो रहा है, तो आप क्या कीजिएगा, डॉक्टर के पास दिखाने के बाद वो बहुत सारे आपको जो है मल्टी विटामिन भी देंगे उसको देने के लिए, या फिर खाने में कुछ डाइट में आपको सजेस्ट करेंगे कि ये दो ये दो, ये फूड के कारण ऐसा हो रहा है। तो मल्टी विटामिन के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है डॉग के लिए, डॉग की एज के हिसाब से, जैसे कि उसकी हाइट बॉडी ग्रोथ करने में उसके मल्टी विटामिन सिरप भी आती है, टैबलेट भी आती है, और ख़ास करके जो है बोन्स के लिए भी बहुत सारे टैबलेट आते हैं, तो वो भी दे सकते हैं। अगर आपका पपी नया नया जैसे हाइट बॉडी ग्रोथ कर रहा है, तो दांतों के लिए भी अच्छे जो है बोन्स आते हैं कि दांत शार्प हो और जल्दी से जल्दी आए, तो उसके लिए भी जो है आते हैं जिसके कारण उसको दर्द ना हो, और दांत आते टाइम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके लिए भी आता है टैबलेट, तो वो भी आप दे सकते हैं। ये सब कुछ चेक करने के बाद, सब कुछ खाना दे रहे हो, सब कुछ मेडिसिन भी प्रॉपर तरीके से दे रहे हो, तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि डॉग का बाहर की गंदगी चीज़ें अगर खा रहा है, पत्थर वगैरह खा रहा है, तो उसकी डिवॉर्मिंग आप ज़रूर से कीजिएगा, क्योंकि डिवॉर्मिंग बहुत मैटर करते हैं ग्रोथ करने में। अगर आप टाइम टू टाइम जैसे कि डिवॉर्मिंग करते हो, जैसे कि पपी की एज में आपने 2 या 3 मंथ पहले डिवॉर्मिंग की, तो 2 मंथ या 3 मंथ हो जाने के बाद वापस से आप डिवॉर्मिंग दे सकते हैं। पपीज़ के लिए सिरप आती है, और जो एडल्ट डॉग होते हैं उसके लिए जो टैबलेट आती है, तो वो उसके वजन के हिसाब से आपको देना है। आपको एडिशनल कुछ भी ऐसा नहीं देना है, या फिर कुछ भी खाने को ऐसा नहीं देना जिसके कारण पपी की जो ग्रोथ है रुक जाए और जो है डिक्रीज होने लगेगा, यानी फिर उसकी जो बॉडी वो भी उतर जाए। इसके साथ साथ खास करके जो है सोशलाइज और हैप्पीनेस, और सबसे ज़्यादा मेन जो प्रॉब्लम है वो है कि लोग एक्सरसाइज नहीं करवाते पपीज़ की या डॉग की। पपीज़ की या डॉग की ज़रूर से एक्सरसाइज ज़रूर कीजिएगा, उसको मॉर्निंग वॉक पे आप ले जा सकते हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करवा सकते हैं, जैसे कि कुछ बॉल वगैरह फेंकने होना, उसको रनिंग करना या फिर जंप करना या फिर ट्रेनिंग देना, तो उसके कारण उसके बॉडी में क्या होता है जो अच्छे खासे फिट भी रहने में मदद करती है, उसको अच्छे से डाइजेस्ट भी होता है खाना, और उसकी बॉडी को लगता है, जिसके कारण उसकी बॉडी अच्छे खासे ग्रो होने में आपको मदद करती है। इसलिए एक्सरसाइज और ट्रेनिंग ज़रूर से आपको देना है। उसके साथ साथ आप उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, आपके घर वाले उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, खेलते खेलते आप उसको कुछ खाना दे सकते हैं, ट्रीट दे सकते हैं, और टाइम टू टाइम आप खाना दीजिएगा। अगर आपके डॉग की बॉडी ग्रोथ नहीं कर रही, तो आप 3 टाइम दे सकते हैं, या फिर धीरे धीरे गैप में, आप अगर एकदम से खाना नहीं खा रहा तो गैप में दीजिएगा, आधे आधे घंटे में आप दे सकते हैं, तो उसके चलते क्या है, डॉग अच्छे से खा भी लेगा, उसको डाइजेस्ट भी होगा, और कुछ प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। अगर आपके डॉग की बॉडी अचानक से वेट उसका लूज़ हो रहा है, एकदम कमज़ोरी जैसा लग रहा है, या फिर बढ़ नहीं रहा है, तो आप डॉक्टर के पास जाकर ज़रूर से दिखाइएगा, कुछ प्रॉब्लम या फिर मेडिकल इशू भी हो सकता है डॉग के साथ। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करना, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, और मेरा सेकंड चैनल पे आप शॉर्ट्स वीडियो भी देख सकते हैं, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।